इस बीच एक बड़ी खबर सिवनी से, जहां 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया। नदी और तालाबों में शव मिले हैं, गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी कलेक्टर मौके की से जानकारी ले रहे हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन अब प्रदर्शन की तैयारी में। मझगवा और धनौरा में वेन गंगा नदी के पास गौवंश मिले हैं, तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिवनी से, जहां 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या कर दी गई है। नदी और तालाबों में शव मिले हैं, गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके पर जानकारी ले रहे हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी यहां पर पुलिस कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन की तैयारी में मझगवा और धनौरा में वेन गंगा नदी के पास गौवंश मिले हैं। तो सिवनी से यह इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है। नदी और तालाबों में शव मिले हैं, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गला रेत कर हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। 50 से ज्यादा गौवंश की गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है, तस्वीरें आप देखिएगा। मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंच चुके हैं, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात यहां पर पुलिस कर रही है। तो वह हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन की तैयारी में। अंकित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकित, तस्वीरें भी हम अब इस वक्त देख पा रहे हैं, 50 से ज्यादा गौवंश जिनकी हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्या जानकारी मिल पाई आपको? 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये पूरा जो मामला है सिवनी जिले में दो अलग अलग थाना क्षेत्र है। पहला जो थाना क्षेत्र है वो है धूमा क्षेत्र, जहां पर गठरिया के जंगल में 28 से 30 लगभग शव कटे मिले हैं। दूसरा जो थाना क्षेत्र है वो है धनोरा, जो कि पिंडरी गांव के समीप है। बैनगंगा नदी में लगभग 20 से 22 जो शव थे मवेशी के, जो बहा दिए गए हैं। इनकी आशंका जैसे ही कुछ पुलिस को मिली जानकारी, तो कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और अभी जांच जारी है। कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए ये संदेश दिया है कि कोई भी आपसी जो सौहार्द है वो बिगाड़े ना, शांति बनाए रखे। घटना की बारीकी से जांच हो रही है और जैसे ही यहां पर गिरफ्तारी और जैसे भी कोई भी जांच में जो भी तथ्य पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अंकित, शुरुआती तौर पर क्या समझ में आ रहा है कि कौन हो सकते हैं आरोपियों के बारे में, कोई जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे हैं और जांच जारी है। अभी कलेक्टर एसपी बारीकी से जांच कर रहे हैं और जो भी आसपास के जो गांव है, जो जहां पर घटना घटी हुई है, बैनगंगा नदी में जो सब फेंके गए हैं, वहां के जो भी आसपास के गांव है वहां पर जानकारी अभी ली जा रही है और जांच के बाद ही हम कह पाएंगे कि कितना सच है और कितना गलत है। चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जहां सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला आया है। गौवंश की हत्या करने के बाद बताया जा रहा है उनके शव मिले हैं नदी और तालाबों के किनारे, गला रेत कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बेहद सनसनीखेज यह मामला सामने आया है। सिवनी से गौवंश की हत्या हुई है और 1, 2, 3 नहीं, 50 से अधिक गौवंश बताई जा रही है। एसपी कलेक्टर की टीम मौके पर पहुंची है, जानकारी ले रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं इस एक्सक्लूसिव खबर पर। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस खबर के बाद अब हिंदूवादी संगठन काफी ज्यादा उग्र है, नाराज है और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। मझगवा और धनौरा में वेन गंगा नदी के पास गौवंश के शव मिले हैं और बीते दिनों 11 गौ तस्करों के घर पर जिस तरह बुलडोजर चला था, तो अब क्या यह माना जाए कि ये गौवंश की हत्या करने वाले आरोपियों ने बदले की भावना से सिवनी में इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन 11 आरोपियों के घरों को जमींदोज किया था। क्या उसका इस खबर से कोई कनेक्शन है? क्या उस खबर से बौखलाकर नाराज होकर ये बदले की नीयत से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया? कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस वारदात के बाद खड़े हो रहे हैं और 1, 2, 3 नहीं, 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। शव मिले हैं, गौवंश के अवशेष मिले हैं, नदी और तालाब किनारे उनके शव मिले हैं। एसपी की अगुवाई में पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। कोशिश करेंगे हम इस खबर पर और जानकारी लें, लेकिन यह बेहद सनसनीखेज इसे खबर कहेंगे। और जब गौवंश की हत्या के मामले सामने आते हैं, जाहिर है ये एक आस्था का प्रतीक है, खास तौर पर हिंदू संगठन
हिंदूवादी संगठन चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, काफी उग्र हो जाता है। प्रदर्शन की तैयारी अब करने की बात कही है और मांग की है जल्द से जल्द पुलिस उन आरोपियों को पकड़े जिन्होंने गौवंश की हत्या की है। हिंदू संगठन बेहद नाराज है और किसी तरह की अप्रिय अब घटना ना हो, हिंसा ना हो, इसलिए पुलिस की अब दोहरी चुनौती है आरोपियों को पकड़ना और हिंदूवादी संगठन को भी समझाइश देकर काबू में रखना। और इस पूरे मामले में कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, बयान सुनाते हैं आपको। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अंकित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित रजक, अंकित जितना प्रारंभिक तौर पर मैं इस मामले को समझ पा रहा हूं, एक दो तीन नहीं 50 गौवंश की जो हत्या की गई है, शव तालाब और नदी किनारे मिले हैं, ये जरूर किसी शरारती तत्व के या सामाजिक तत्व के या हो सकता है गौ तस्करों की ही कायराना करतूत हो। क्या बदले की नियत से किया गया ये पूरा घटनाक्रम है? पुलिस का क्या कहना है, प्रारंभिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, ही आपको बता दूं कि जब 50 गाय के शव वहां पर मिले नदी के किनारे तो सनसनी फैल गई, एक नहीं दो क्षेत्र। पहला जो मामला था सिवनी जिले का धुमक थाने क्षेत्र का, जहां पर 20 से ज्यादा भी शव मिले तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। दूसरा जो क्षेत्र था धनोरा, जो कि केवलारी विधानसभा के पास से लगता है, वहां भी जब ये मामला निकलकर सामने आया तो अफरा तफरी फैल गई और जैसे ही जानकारी मिली, गांव वालों ने जानकारी दी पुलिस को, तो पुलिस मौके पर पहुंची और आज आनंद फानन पे जिला के कलेक्टर और एसपी घटना क्षेत्र पर पहुंचे, वहां पर जांच जारी है। और इसी बीच जब पूरे सनसनी खेज खुलासा हुआ कि 50 से ज्यादा सब वहां पर मिले हुए हैं दोनों क्षेत्र पे, तो कलेक्टर महोदय ने ये अपील करी कि शांति और सौहार्द बना रखे, मामले की जांच की जा रही है और जैसे ही मामले में जो भी आरोपी होगा उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन के लिए चेतावनी दी है कि अगर आरोपी नहीं पकड़ाए तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा। लेकिन जिला कलेक्टर लगातार घटना क्षेत्र पर जा रहे हैं, दोनों क्षेत्र, एक जो धुमा क्षेत्र है जहां पहली घटना हुई थी जहां 30 से ज्यादा मवेशी पाए गए थे, और दूसरा जो क्षेत्र है धनोरा का, जहां पर बैनगंगा के समीप पिंडरई गांव के समीप, जहां पर 20 से 22 ऐसे शव जो बहा दिए गए थे जिनका गला रेत कर हत्या कर दी गई। लेकिन अंकित एक चीज मुझे समझाइए जरा, ये जरूर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कर रही है, आगे चलकर जांच में पता चलेगा आरोपियों के बारे में, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम भी इस जल्दबाजी में ये पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन टाइमिंग और जगह को लेकर इतना तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि जरूर ये षड्यंत्र हो सकता है या बदले की भावना। जिस तरह 11 गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया, घरों को जमींदोज किया, ये टाइमिंग और ये इलाका दोनों इस तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन उस मामले से निकल कर आ रहा है? पुलिस का इस मामले में कुछ कहना है? लेकिन एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी वारदात है। बाजू के पड़ोस जिले में पटना जैनपुर के पास जब बीमा वही गांव में जब इस टाइप की करतूत की गई थी तो सरकार ने 15 मकानों को ढहाया था, लेकिन 2 से 4 दिन बीते और एक बार फिर सिवनी जिले के धनोरा और धुमा में ऐसी घटना देखने को मिली जिससे सनसनी फैल गई। लेकिन ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन है, किसने ये हरकतें करी है, कहीं ना कहीं हमें अभी ध्यान रखना होगा, जानते ही पाया जाएगा। अंकित जरा उस इलाके के बारे में आप जल्दी से बताएं हमें और हमारे दर्शकों को, जिस तालाब और नदी के किनारे गौवंश के शव मिलने की बात सामने आई है, और एक दो नहीं, संख्या छोटी मोटी नहीं होती है, 50 गौवंश की अगर हत्या हुई है तो ये बेहद सनसनीखेज मामला, और ये किसी एक दो गौवंश या गौ तस्करी करने वाले शरारती तत्व का काम नहीं है, जरूर इसके पीछे भी बड़ी संख्या में लोग होंगे। वो इलाका कैसा है, वो क्षेत्र कैसा है जहां ये गौवंश के शव मिले हैं, कितनी संख्या उस गांव की है, पुलिस का वहां पर अभी जो दल पहुंचा है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू कर रहा है? जी बिल्कुल, ही पहले ही सुबह जब पुलिस कलेक्टर पुलिस को जानकारी लगी थी तो आनंद फानन में जब कलेक्टर महोदय और एसपी पहुंचे थे पूरी टीम के द्वारा, तो सबसे पहले वो धुमा गए थे। धुमा जहां पर जंगल इलाका है उस क्षेत्र में 30 ऐसे शव पाए गए थे गाय के, जहां पर जांच की गई थी। वही दूसरी तरफ जो दूसरा जो इलाका है वो है धनोरा का, जहाँ पर 20 ऐसे शव थे जहाँ पर जो काट के फेंके गए थे। लेकिन जो दूसरा जो क्षेत्र है धनोरा का वो बैनगंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र है,
देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गांव से दूर हटके हैं, जैसे जंगल का इलाका हो या फिर नदी के किनारे जो बहकर नदी से सब मिले हुए थे। अंकित, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पहले जब पुलिस ने, प्रशासन ने 11 गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहां लंबे वक्त से, बीते कई सालों से इस तरह से गौ तस्करी हो रही है, गौवंश की हत्याएं हो रही है, तो अब तक तो पुलिस प्रशासन की भी कार्रवाई पर सवाल होता है कि अगर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये कोई आजकल का मामला नहीं है, लंबे वक्त से यहां पर इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है, तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। पुलिस को इतना तो आइडिया होगा किस इलाके में कौन सा गौ तस्कर सक्रिय है, कब से यहां पर गौ वंश की हत्याएं की जा रही हैं, किस तरफ से पूरी रणनीति के साथ ये गौ तस्कर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, ये कलेक्टर महोदय द्वारा जब हमने बात करने की कोशिश करी तो जानकारी उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन जांच का विषय बताकर उन्होंने अभी दरकिनार कर दिया है, कहा है कि ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही सारी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही जितने भी गौवंश तो तस्करी जो मामला जिन पे केस चल रहा है उनकी भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये लोग कहीं इसमें मिले तो नहीं है। अच्छा अंकित, ये भी बताइए क्योंकि देखिए पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती जो सामने मैं देख पा रहा हूं, एक तरफ तो पुलिस को आरोपियों को पकड़ना है जिन्होंने गौवंश की हत्या की, दूसरी तरफ जो हिंदूवादी संगठन नाराज हैं वो काफी उग्र हैं, प्रदर्शन करने की उन्होंने बात कही है, तो ऐसे में उन्हें भी काबू में करना है, कहीं हिंदूवादी संगठन अब इस गौवंश की हत्या के मामले के बाद, घटना के बाद कहीं और उग्र ना हो जाए, ऐसे में हिंदूवादी संगठन का क्या कहना है, वो क्या मांग कर रहा है। जी बिल्कुल ही, हिंदूवादी संगठन ने आज दोपहर 12 बजे के बाद पलारी जो कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र के में आता है, पलारी तिगड्डा जो क्षेत्र है वहां पर प्रदर्शन करने का वहां पर अल्टीमेटम जारी किया था, विरोध प्रदर्शन जारी किया था और साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पकड़े नहीं गए, गिरफ्त में नहीं किया गए तो आने वाले समय में ये सौहार्द जो वातावरण है, सिवनी जिला जो शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ माहौल बिगाड़ा जा रहा है और पुलिस अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन एक बड़े आंदोलन की तरफ निकल कर आएगा। अंकित, ये जो गौवंश की हत्या हुई है, इस इलाके की आबादी लगभग कितनी होगी और अभी पुलिस फोर्स कितना डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती है और संवेदनशील मामले होते हैं तो यहीं से चिंगारी निकलती है और एक बड़ा रूप ले लेती है, पुलिस फोर्स वहां कितना तैनात है और वहां अभी क्या हालात है। जी बिल्कुल ही, पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात है क्योंकि कलेक्टर एसपी खुद ही मौके पर जांच कर रहे हैं और ये जो क्षेत्र है ये जंगल का इलाका है, दूसरा तरफ नदी का इलाका है, यहाँ पर दूर दूर थोड़ा सा गांव दूर दराज है लेकिन कहीं ना कहीं जंगल का हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने जो करतूत की है, जो सौहार्द, जो आपसी सामान्य सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी है, वो अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन है इसके पीछे। अंकित, ये जिस जगह पर गौवंश की हत्या की गई है, 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या की गई है, वहां जो रीजन है, क्या उस रीजन के बारे में आप बता पाएंगे थोड़ा विस्तार से, जो गौवंश है वहां पर क्या घास खाने आती है, चरने आती है, क्योंकि वहां और भी बड़ी संख्या में इस तरह से पशु होंगे, गौवंश होंगी। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको अभी जांच का विषय बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर जंगल का क्षेत्र है, जंगल में यहाँ पर उतनी गाय तो नहीं आती है। जी चलिए, किया गया है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये और दूसरी तरफ अपडेट है, जांच का विषय जरूर है अंकित, लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं पुलिस के सामने, अब काफी बड़ा चैलेंज भी है इस पूरे मामले के गुत्थी सुलझाना और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ना। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।